भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। ২০১৮ में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन लिखा था। और हुआ भी वही, जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली, यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे।